गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट 5, लास्ट टॉपिक, जीन एक्सप्रेशन। फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। डीएनए के क्रियात्मक भाग को जीन कहते हैं। जीन से प्रोटीन बनते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। सभी सेल में सभी जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है। विच जीन विल एक्सप्रेस फॉर बेटर कंजप्शन, कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, और विच जीन विल रिप्रेस्ड डिपेंड ऑन द कंडीशन, कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा और कौन सा रिप्रेस होगा, यह नॉर्मल कंडीशन पर और आउटर कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जीन का रेगुलेशन पॉसिबल है इफ़ जीन के पास में कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हो। सीक्वेंसेस नियर बाय जीन्स, ये सीक्वेंसेस जीन के पास में होती है और उनके रेगुलेशन में काम आती है। पर्टिकुलर जीन के रेगुलेशन में काम आती है तो उसे सिस एक्टिंग सीक्वेंस कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होता है लैकोपेरॉन, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स बनाता है, कैटाबॉलिक एंजाइम्स जो कि लैक्टोज को कैटाबोलाइज करते हैं, इसीलिए इसे कैटाबोलाइक बोलाइट ऑपेरॉन भी कहते हैं। जीन से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे और प्रोटीन अलग अलग फंक्शन करता है। जैसे हमने कहा लैक ऑपेरॉन के जीन में लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, तीन डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो लैक ऑपेरॉन बनाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए सिस्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर तीन, इसी कारण इसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं। दिस इज 5', दिस इज 3'। हर सिस्ट्रॉन के अंदर AUG UAA स्टॉप कोडोन होता है। फर्स्ट सिस्ट्रॉन यानी कि लैग जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। सिस्ट्रॉन 2 और लैग वाई फॉर्म लैक्टोज परमीज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है और बीटा गैलेक्टोसाइडे लैक्टोज परमीज लैक्टोज को बाहर से अंदर की ओर लाता है, एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर। थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम की जैसे काम करता है। ईकोलाई कहाँ रहता है, तो कोलन के अंदर रहता है ह्यूमन की, इसीलिए इसे कोलन बैक्टीरिया कहते हैं। इजीली गेट्स ग्लूकोज, इसे आसानी से ग्लूकोज मिल जाता है। इफ लैक्टोज इज नॉट अवेलेबल, अगर लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन में हम ये कहते हैं कि लैक ओपेरॉन रिप्रेस्ड रहता है। लैक ओपेरॉन के अपस्ट्रीम में एक जीन होता है, दिस इज लैकाई, दिस इज सिस एक्टिंग सीक्वेंस और रेगुलेटरी सीक्वेंस, यह हमेशा एक्सप्रेस होता है और लैक रिप्रेसर बनाता है। लैक रिप्रेसर आर हैज़ द हाई एफिनिटी फॉर प्रमोटर। लैक रिप्रेसर डायमर की फॉर्म में होता है, मींस दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, बाइंड टू द प्रमोटर ऑफ लैकोपेरॉन, यानी कि लैकोपेरॉन का प्रमोटर वीक प्रमोटर होता है और रिप्रेस्ड बाय द रिप्रेसर, रिप्रेसर के द्वारा रिप्रेस्ड भी होता है। इफ कोलन के अंदर ग्लूकोज नहीं है और वहाँ लैक्टोज ऑन कर दिया जाए तो क्या होगा, लैकोपेरॉन का स्विच्ड ऑफ हो जाता है। कैसे, ई कोलाय लैक्टोज मीडियम में भी सर्वाइव कर सकता है, कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन के लिए हम ये कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लैक्टोज परमीएज लगा है, लैक्टोज परमीएज के अंदर को ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब हाइड्रोजन आयन के साथ साथ लैक्टोज भी अंदर आते हैं। लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में बीटा 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं इन लैक्टोज, बट कभी कभी ग्लूकोज और गैलेक्टोज बीटा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं एलोलैक्टोज का। एलोलैक्टोज इज आइसोमर ऑफ लैक्टोज, यह लैक्टोज का आइसोमर है, बट एलोलैक्टोज हैज़ द बाइंडिंग साइट, लैक रिप्रेसर हैज़ द बाइंडिंग साइट फॉर एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज की बाइंडिंग साइट किसके पास होती है, लैक रिप्रेसर के साथ, और अगर एलोलैक्टोज लैक रिप्रेसर से आकर बाइंड हो जाता है मीन्स अब रिप्रेसर प्रमोटर पर जाकर नहीं जुड़ सकता।
तो एलोलैक्टोज एक्ट एज ए इंड्यूसर फॉर लैकोपेरॉन, मतलब अब लैकोपेरॉन रिप्रेस्ड नहीं रहेगा, काम करना स्टार्ट होगा। जब रिप्रेसर नहीं जुड़ता है प्रमोटर पर तो उसके ऊपर आकर कौन जुड़ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। और हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस कराता है, लैकोपेरॉन के प्रमोटर पर आकर जुड़ जाता है। लैकोपेरॉन प्रमोटर इज द वीक प्रमोटर और वो धीरे ट्रांसक्रिप्शन करता है, बट ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर लैकोपेरॉन में फास्ट होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि लैकोपेरॉन के ट्रांसक्रिप्शन को फास्ट करते हैं। इसको फास्ट करने में जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज एडिनाइलेज साइक्लेज। एडिनाइलेज साइक्लेज इट इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज, एडिनाइलेज साइक्लेज को इनहिबिट करता है ग्लूकोज। बट अगर एनवायरनमेंट में ग्लूकोज एब्सेंट है तो दिस एंजाइम कैन बी एक्टिवेटेड। जब ग्लूकोज नहीं है और गैलेक्टोज प्रेजेंट है तो एडिनाइलेज साइक्लेज वर्क करता है एंड एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज प्रेजेंट तो सीएएमपी एब्सेंट रहता है, लेकिन जब ग्लूकोज एब्सेंट है तो सीएएमपी का फॉर्मेशन हो जाता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सीएएमपी रिप्रेसर प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, सीएएमपी रिप्रेसर प्रोटीन और सीएएमपी एक्टिवेटर प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। क्यों? क्योंकि सीआरपी सीएएमपी रिप्रेसर प्रोटीन हैविंग द बाइंडिंग साइट फॉर साइक्लिक एएमपी, व्हेन साइक्लिक एएमपी अटैच टू द सीएएमपी रिप्रेसर प्रोटीन इट एक्टिवेट द बाइंड एक्टिवेट एंड बाइंड टू द सीआरपी बाइंडिंग साइट। सीआरपी बाइंडिंग साइट पर जाकर बाइंड हो जाता है इन प्रमोटर, इसके कारण से आरएनए पॉलीमरेज फास्ट काम करने लगता है और सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इंक्रीजेस 10 times, प्रोटीन का सिंथेसिस 10 times बढ़ जाता है। और लैक रिप्रेसर प्रमोटर पर बाइंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ एलोलैक्टोज जुड़ा है। इट इज़ वन टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन इन बैक्टीरिया, यह एक प्रकार का जीन रेगुलेशन है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। थैंक यू सो मच। यूनिट 5th हमारी कंप्लीट हो गई है।